है, आप माइनर देखते हो, मिड देखते हो, आपकी 2 से 1 तक क्लास चलती है और 2 से 5 आपकी लैब चलती है और कभी कभी जो 6 से 8 में पेपर भी नहीं है, तो जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है और वो प्रोसेस आपको बनाता है। बस हो गया, ग्रेड करना है ये, मतलब कि 26
स्टेशनरी चाहिए होती है, अपने कमरे में होता रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगी तो सीरिंग उसके लिए
इंटरव्यू होता है, मैंने कंप्लीट लेवल पर टैग किया हुआ था, हमारे पास तीन बंदों का इंटरव्यू था, उसमें दो बंदे इलेक्ट होते हैं, हैक करते हैं, ठीक है, उनके थ्रू ही आपको पता चलता है कौन कौन सी कंपनी आती है, बड़ा होता है, तो हर एक डिपार्टमेंट से होता है, उन्होंने अपना काम इस तरह से बांटा होता है कि जैसे मान लो हम तीन अलग अलग डिपार्टमेंट से कि एक कंपनी से ये बात कर रहे हैं तो इसकी एस्पो की है, तो मैं अगर कंपनी से बात कर रहा हूँ तो उसका एस्पो मैं, ठीक है, तो हर कंपनी कोर्ट में अप्लाई करती है, तो ये लोग एक ड्राइव की डेट फिक्स करते हैं और उससे पहले उसका मैसेज ग्रुप में आता है कि जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, कोई मीटिंग से, कोई मैच से, उसके लिए एलिजिबल पैनल है, पेपर के ग्रुप को भरते हैं।
डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो रिजल्ट बाद में भी रिलीज कर सकते हैं डिपेंड्स होने के बाद तो ऐसा है कि ऐसा कंपनी ऐसा है कि आप उस डिटेल टेस्ट के ऊपर भी आपका सिलेक्ट हो जाता है आप वो जिनको ऊपर हो सकते हो लेकिन टेस्ट होता है उसके बाद इंटरव्यू के बाद भी काम करने का काम करने का आता है नॉलेज का स्किल होना चाहिए उसके बाद बात करना अच्छा करना चाहिए अब
पढ़ाना तो आपका हम इंग्लिश में बोल ही सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ाने के लिए हम पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट में हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, वही प्रॉब्लम है कि हिंदी में सुधारना पड़ेगा तो चुप समझ में आता है, ये छोटी छोटी स्किल है बस उसको बेटर करना। ओके, तो चलिए जानते हैं इनको किस टाइप का जॉब मिला है, ऑफिस वर्क किस टाइप का जॉब, इनका एक्चुअली काम क्या है। ओके तो बताइए, यहाँ से कोचिंग भी आते हैं, मींस वी हैव टू प्रिपेयर नोट्स, वी हैव टू योर लेक्चर, वी हैव टू हैव लाइक दैट ओनली। ओके, तो जो आपने प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू वगैरह दिया, ये बस ऐसे ट्रायल था या फिर आपका गोल था कि मैं जिस कंपनी में जॉइन मैं यहां ये काम करना है? आप एक बार अगर आपके कैंपस प्लेसमेंट में बैठे तो कोई भी ट्रायल लेकिन भगवान के लिए ऐसा रहता है कि लोअर आई आई टी
कि ज्यादा पेन है मतलब सबसे और एक बात चीज होती है कि आप यहां से जब निकलोगे ना तो आपके पैसे मतलब अभी तक तो हम यहां पर तो अभी हम एनएटी के अंदर ही चल रहे हैं हम लोगों को शायद ज्यादा बाहर का पता नहीं लेकिन जब भी आप बाहर वेट करोगे ना अगर चार लोग हो गए और वहां पे आपके पास एनएटी मॉनिटर का टाइम हो दैट मैटर्स एनएटी मॉनिटर का टाइम हो दैट मैटर्स ठीक है इससे
You'll be having a 2-3 months.